नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में, जहां पर चंडीगढ़ की फ्रूट वेजिटेबल एंड ग्रेन मार्केट बनी है। ये मार्केट आज से लगभग 10 साल पहले बनी थी और जो इस पर के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च आया था। आज जब हम इस मार्केट को देखने आए तो मार्केट में जगह जगह पर, तकरीबन सारी जगह पर ही बरसाती घास उगी हुई है, बरसाती पानी रुका हुआ है। यहाँ लगभग 5 पब्लिक टॉयलेट्स हैं और उन टॉयलेट्स की जो हालत खस्ता है, एक टॉयलेट जो खुली हुई है उसके अंदर लोकल ठेकेदार की लेबर कब्जा जमाई हुई है पिछले 4 महीनों से। वहाँ पर जो लेबर बैठी है वो सरकारी बिजली के ऊपर ही अपना खाना बना रही है और बाकायदा एक घर बना हुआ है, अंदर फ्रिज, मतलब टीवी छोड़ के फ्रिज, पंखा और बाकी सब इक्विपमेंट्स वहाँ पर लगे हुए हैं। मार्केट कमेटी की ओर से 3 शिफ्टों में यहाँ पर 3 स्वीपर्स आते हैं, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह 6 बजे तक। जब इस मार्केट में कोई अभी कामकाज नहीं हो रहा, फिलहाल ये मार्केट बंद पड़ी है, तो ये समझ में नहीं आता कि मार्केट कमेटी ने किस लिए यहाँ पर 3 स्वीपर्स अपॉइंट किए हुए हैं। और उसके बाद आती है बात सिक्योरिटी की। एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया हुआ है। 2 गार्ड्स 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो गार्ड क्या करते हैं जब उनकी मौजूदगी में यहाँ पर एक बंदों ने पब्लिक टॉयलेट पर, सरकारी टॉयलेट पर कब्जा जमाया हुआ है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।